हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो है कि जो हमको किराना की दुकान या कॉन्फेक्शनरी की दुकान कहाँ पे करनी चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। आज हम लोग इस बात पे बात करेंगे। तो दो चीज़ें होती हैं कि ये अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी किराने की दुकान या कॉन्फेक्शनरी की दुकान जो होती है वो अपने गली मोहल्ले में कर लेते हैं, अपने घर पे कर लेते हैं, और दूसरा तरीका है कि उसको मार्केट में करें। तो हम दोनों तरीकों की बात करेंगे कि अगर गली मोहल्ले में करते हैं तो हम लोग क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, और मार्केट में करते हैं तो क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है। तो पहले चीज़ होती है कि अगर हम अपनी दुकान को गली या मोहल्ले में करते हैं, अपने घर पर दुकान करते हैं, तो फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को जो है अपने दुकान जो होती मेरे घर पर है जैसे, तो मुझे किराया नहीं देना है, तो मेरा खर्चा बच जाता है। दुकान का कोई किराया नहीं होता है, फ्री में होता है। तो किराया नहीं होगा तो मेरा खर्च बच जाएगा, एक्सपेंस मेरा कम हो जाएगा। दूसरा होता है कि हम अपने परिवार से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने बच्चों से सहयोग ले सकते हैं कि हमें अगर तो कोई दूसरा काम भी है तो हम जो है उसको कर लेते हैं, कि ये बच्चे को 2 मिनट बिठा दिया, अपना वो काम कराए जो है। और घर पे होता है कि परिवार वाले मदद कर लेते हैं हमको, कोई बैठ गया हम सामान ले आए मार्केट जाके। तो ये फायदा होता है कि घर पे दुकान करने से। अच्छा, अब नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि वही आपको 10-20 घर जो है, 30 घर जो होते हैं गली में, अपने घर में, घर के आसपास वही आपके कस्टमर हैं और वही आपके परिचित भी हैं। आप 15 साल 20 साल से आप उनको जानते हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते, आप उनको उधार आपको देना पड़ेगा। तो वही आपके गिनती के कस्टमर हैं और वही आपके परिचित भी हैं। जब परिचित होंगे तो उधारी होगी, उधारी होगी तो आपका पैसा जो है ब्लॉक होगा। तो ये दिक्कत होती है और आपकी जो है बिक्री सीमित है। वही 20-30 घर से आपकी जो भी बिक्री होगी आपको उतने में एडजस्ट करना है, उसमें वो उधारी भी समझनी पड़ेगी आपको, जो आपका पैसा डूबेगा उसको भी समझना पड़ेगा। तो ये दिक्कत होती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि दूसरा तरीका क्या है, बिजनेस जो है मार्केट में करने से क्या फायदा है। मार्केट में करने से पहले नुकसान की बात करेंगे। नुकसान में ये होगा कि आपको जो है किराया देना है, आपका खर्च बढ़ जाएगा। सबसे पहला नुकसान यही होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि जो है आप अकेले हैं वहाँ पे, आपके मार्केट में है, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर जो है आपको जो है मदद नहीं कर सकते वहाँ पे, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आपको खाना खाना है तो दुकान बंद करनी पड़ेगी, या आपको जो है कोई आपको वहाँ पर खाना पहुँचाए, आपको चाय पीनी है तो वो भी घर से लेके जानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें दिक्कतें होंगी जो है। तो फायदा भी है और नुकसान भी है। अब जो है फायदे की बात करते हैं। मेन बात है फायदा की। घर से हम दूर मार्केट में दुकान करेंगे तो हमको फायदा क्या होगा। फायदा आपको ये होगा कि आपको रोज जो है 100-50, 100 नहीं तो 20-30-40 कस्टमर, नए कस्टमर मिलेंगे, रोज नए कस्टमर मिलेंगे जिनको आप नहीं जानते हैं। और जब जिनको जानते नहीं हैं तो उधारी का प्रश्न नहीं उठता। आज वो बंदा आया है, कल वो आएगा या नहीं आएगा उसका पता नहीं है। जो रोड से निकल रहा है वो 10-20-30 ग्राहक आपको नए मिलते जाएंगे। यहाँ आप 20 से 30 घर पे सीमित हो गए थे, वहाँ पे आपको हो सकता है 200-400 लोग सामान, 200-400 लोग, 200-400 घर का सामान आपसे जाने लगे। तो ये आपको फायदा होगा कि जो है मार्केट में दुकान करने से खर्च आपका बढ़ जाएगा, लेकिन जब हमारी कमाई बढ़ जाएगी तो हम खर्च को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जब हमारी कमाई नहीं होगी तो हम खर्च को कहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो मार्केट में जो है दुकान करने का ये फायदा होगा। फिर अब ये प्रश्न उठता है कि अब हमको मार्केट में जैसे दुकान कर लेनी है, अब तो हम ये जो है क्या करें कि जो है कहाँ पे दुकान लें। तो दुकान लेने के लिए ये सोचना पड़ेगा आपको, लोकेशन दुकान की बहुत जरूरी है। और ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे भीड़ रहती है, थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, चौराहा हो, कोई कोई गली मोहल्ले का कोई चौराहा हो, जो मार्केट हो वहाँ पे कई दुकानें हो और किसी चीज़ की 2-4 दुकानें हो। तो होगा क्या कि आदमी कोई और सामान लेने आया तो वो आपकी आपका पास भी आ गया। आप पता लगा बगल में सब्जी की दुकान लगती है, वहाँ पे सब्जी की थोड़ी बहुत दुकानें लगती हैं या फल की दुकानें लगती हैं। आदमी फल या सब्जी लेने आया तो उसने जो है थोड़ा सा किराने के सामान, बिस्किट विस्किट जो है वो खरीद लेता है। तो वो लोकेशन होगी। फिर आप अगर कॉन्फेक्शनरी का काम करना चाहते हैं, साथ में थोड़ा सा स्टेशनरी का थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं, तो आपको जो है ढूंढना चाहिए कि जहाँ पे स्कूल हो, स्कूल के आसपास का इलाका जो होगा वहाँ पे आपका कॉन्फेक्शनरी का काम और स्टेशनरी का काम चल जाएगा। और दोनों काम में ठीक ठाक बचत है, किराने से ठीक ठाक बचत है। तो जो है आपको हो सकता है किराना का काम करना भी ना पड़े, तो वहाँ पे आपका बिजनेस अच्छा चल जाएगा। तो स्कूल, गली मोहल्ले, चौराहे पर जो है, गली मोहल्ले के जो चौराहे होते हैं जहाँ पे कई जो है जो गलियाँ आके मिलती हैं, जहाँ पे भीड़ लगती है, जहाँ पे पब्लिक का आना जाना रहता है, अक्सर लोग निकलते, जैसे जो मेन रास्ते होते हैं उन रास्तों के आसपास आपको दुकान ढूंढनी पड़ेगी जो है, जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती हो।
तो उस जगह पे आप दुकान ढूंढें और वहां पे आपकी दुकान चलेगी। जब बिजनेस अच्छा होगा, जब आप बिक्री अच्छी करेंगे, तो आप खर्चे जो होंगे वो भी एडजस्ट कर लेंगे। तो ये मेरी निजी राय है, आप मेरी राय से जो है आप मेरी राय को जो है मान भी सकते हैं और आप जो है ताल्लुक नहीं भी रख सकते हैं मेरी राय से, जैसा आप समझें। ये मैं अपनी निजी राय बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।